हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हियर डिस्कसिंग क्वेश्चन 67 ऑफ KVPY SA क्वेश्चन पेपर व्हिच वाज हेल्ड ऑन 19th नवंबर 2017. लेट्स ऑब्जर्व व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ सेम मास आर केप्ट इन टू आइडेंटिकल वेसल्स व्हिच आर प्लेस्ड इन अ फ्रीजर दैट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम देम एट सेम रेट कॉजिंग ईच लिक्विड टू ट्रांसफॉर्म इन टू अ सॉलिड. ओके, लिक्विड से सॉलिड में जा रही है. The schematic figure below shows temperature T versus time small t plot for the two materials. We denote the specific heat of material in the liquid and solid states to be Cl1 Cs1 and Cl2 Cs2 respectively. So हमें बताना है कि out of these given options कौन सा सही होगा. Now for those of you guys who are curious and जो already explore कर रहे हैं या कर चुके हैं KVPY 2017 question papers को, उन्हें शायद से ये चीज़ पता होगी कि 5th नवंबर 2017 को जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें नंबर 66 ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रिसाइसली आइडेंटिकल क्वेश्चन था, बट विद अ स्लाइट डिफरेंस कि वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक हीट्स इन लिक्विड स्टेट वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पूछा गया था. राइट, सो हम वेदांतु जेई चैनल पर ऑलरेडी इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रेजेंट कर चुके हैं. इनकेस आप में से जिन लोगों ने ये सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है, जिन्हें नहीं पता कि इस क्वेश्चन के अंदर लेटेंट हीट्स को हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, वो उनमें से आप सभी लोग वहाँ पर उस चैनल पर उस वीडियो पर जाकर के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. बहरहाल वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर जो कि यहाँ पर 19th नवंबर को पूछा गया है. तो इस केस में हम प्रोसीड एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे जैसे 5th नवंबर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने प्रोसीड किया था. लेट्स ऑब्जर्व किया यहाँ पर हम किस तरह से इसे एड्रेस करते हैं. सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फ्रीज़र जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो सेम रेट पर कर रहा है फ्रॉम दी टू वेसल्स और दी टू लिक्विड्स. इसका मतलब फ्रीज़र जो पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्स्टेंट होगी दोनों केसेस के अंदर. नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट पावर? पावर इज रेट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड और एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सिस्टम. नाउ अगर हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये रेट नेगेटिव होगी बिकॉज जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा क्यू की वैल्यू डिक्रीज करेगी. राइट, इसीलिए कंपनसेट करने के लिए हमने नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू क्या है? क्यू यहाँ पर स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट की गई एनर्जी है किसी भी मटीरियल से, जिसे हम MST के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, सो क्यू की वैल्यू MST होती है, देन dQ/dt की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ MST विद रिस्पेक्ट टू टाइम. राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट स्टेप इन द एक्सप्रेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? यहाँ पर आप स्पेसिफिक हीट को सिंबल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग सिंबल S. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि दोनों लिक्विड्स का मास सेम है. राइट, या मास इस केस में अगर आप किसी भी एक लिक्विड का देखें, सो किसी भी लिक्विड का मास वाइल एनर्जी इज एक्सचेंज मास चेंज नहीं होगा. राइट, उसी तरीके से जब भी हम किसी एक मटेरियल के बारे में बात करते हैं एक स्पेसिफिक स्टेट में, तो फिर उस केस में उसकी स्पेसिफिक हीट भी चेंज नहीं होती. सो एम एंड सी कॉन्स्टेंट है किसी मटीरियल के लिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में. राइट, वेयर एज टी इज गोइंग टू चेंज विद टाइम. सो देयरफॉर अगर हम एम एंड सी को इस इक्वेशन से बाहर कॉमन ले लेते इस डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं, देन हमारे पास m टाइम्स c टाइम्स d टेम्परेचर बाय d टाइम बचेगा. राइट, रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को. सो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखने वाला है, p डिवाइडेड बाय m टाइम्स c टाइम्स dt, एंड अपॉन इंटीग्रेशन हमें कुछ ये मिलेगा. राइट, सो टेम्परेचर t कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस p डिवाइडेड बाय m टाइम्स c मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t प्लस सी. सो यहाँ पर आप इस कॉन्स्टेंट को, कॉन्स्टेंट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, आप इसे के अज्यूम कर लीजिए बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग सिंबल सी. टू अवॉइड द कन्फ्यूजन वी आर अज्यूमिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज के. नाउ प्लीज ऑब्जर्व दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर किसी एक स्टेट में जब हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट या प्रोवाइड करते हैं किसी मटेरियल को, तो उस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिखाई देगी. टेम्परेचर एंड टाइम का कर्व एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जिसमें स्लोप ऑफ दिस कर्व
is going to be represented by minus p over m times c, right? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस केस में स्लोप इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू माइनस वन ओवर सी वाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कि पावर कॉन्स्टेंट है एंड दोनों केसेज में, दोनों लिक्विड्स के लिए मास भी कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट? सो देयरफॉर स्लोप विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ सी. नाउ इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ग्राफ गिवन है हमें उसमें से सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है. नाउ ग्राफ पर चलते हैं. सपोज लिक्विड वन के लिए हम डिफरेंट पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, एंड करस्पॉन्डिंग लिक्विड टू के लिए करस्पॉन्डिंगली हमारे पास इन पॉइंट्स के नाम आ जाते हैं ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, राइट? सो ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें देन कर्व ए बी एंड ए डैश बी डैश इज रिप्रेजेंटिंग द लिक्विड स्टेट, ठीक है ना? और इसके लिए स्पेसिफिक हीट का सिंबल हम सी सबस्क्रिप्ट एल इस्तेमाल कर रहे हैं. सिमिलरली सी डी एंड सी डैश डी डैश इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड स्टेट, राइट? एंड इसके लिए सिंबल सी एस इस्तेमाल करेंगे, वेयर एज बी से लेकर के सी तक या बी डैश से लेकर के सी डैश तक जो पार्ट ऑफ दिस ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन को या फ्यूजन को, राइट? जिसमें लिक्विड से सॉलिड ट्रांसफॉर्म हो रहा है मटेरियल. सो कंबाइनिंग दीज टू आइडियाज टुगेदर, ओके, वी कैन से कि फॉर लिक्विड स्टेट वी कैन से कि यहां पर स्लोप अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे हम जो स्पेसिफिक हीट से उससे कंपेयर कर सकते हैं. नाउ प्लीज ऑब्जर्व ए बी एंड ए डैश बी डैश का एंगल एक्स एक्सिस से अगर आप थीटा वन एंड थीटा वन डैश अज्यूम करते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए बी इज मच मोर स्टीपर देन ए डैश बी डैश. सो वी कैन से कि देयरफॉर टेन थीटा वन इज हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन टेन थीटा टू. व्हाई? बिकॉज थीटा वन इज मोर, सॉरी, टेन थीटा वन डैश, राइट? बिकॉज थीटा वन इज मोर स्टीपर देन थीटा वन डैश. सो देयरफॉर अगर हम स्लोप यानी कि टेन थीटा की वैल्यू को वन ओवर सी से रिप्लेस करते हैं तो हमें रिलेशन मिलेगा माइनस वन ओवर सी एल वन विच इज ग्रेटर देन माइनस वन ओवर सी एल टू, राइट? सो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? इससे कंक्लूजन ये निकलेगा इनकेस अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें कि सी एल टू इज ग्रेटर देन सी, इज इट गोइंग टू बी जस्ट जस्ट नहीं ये नेगेटिव साइन भी ना, सॉरी माई बैड. सो सी एल वन विल बी ग्रेटर देन सी एल टू. सो हमारे पास ये कंक्लूजन है, नेगेटिव साइन एंड इनवर्स दोनों को कंपनसेट करने के बाद में हमारे पास ये रिलेशन है सी एल वन इज ग्रेटर देन सी एल टू. सिमिलरली अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, सॉलिड स्टेट के लिए हम बात करेंगे सी डी एंड सी डैश डी डैश की. सो अगर एक्स एक्सिस के साथ में सी डी का एंगल थीटा टू बन रहा है एंड सी डैश डी डैश का एंगल थीटा टू डैश बन रहा है, सो आप ग्राफ ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि सी डैश डी डैश कर्व इज मच मोर स्टीपर, राइट? सो यहां पर वी कैन सिंपली से कि टेन थीटा टू डैश इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू, राइट? थीटा टू इज लेस स्टीपर देन थीटा वन, सॉरी थीटा टू डैश, एंड देयरफॉर अगर हम थीटा टेन थीटा की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहां पर, सो हमें मिलेगा ये रिलेशन दैट नेगेटिव ऑफ वन ओवर सी एल टू इज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ वन ओवर सी एल वन, राइट? सो आई एम सॉरी, यहां पर सी एस टू एंड सी एस वन आएगा फॉर सॉलिड स्टेट्स, राइट? सो अगर इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया जाए सो हमें मिलेगा सी एस टू ग्रेटर देन सी एस वन, राइट? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सी एस टू एंड सी एस वन. सो लुकिंग एट दिस वी विल वी आर ऑब्जर्विंग कि सी एल वन इज मोर देन सी एल टू एंड सी एस टू इज मोर देन सी एस वन. सो इसके हिसाब से आई थिंक ओनली ऑप्शन बी मैचेज विद द करेक्ट आंसर, राइट? आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं. आप में से जिन लोगों ने अभी तक 5th नवंबर क्वेश्चन पेपर एस ए के वी पी वाई क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन 66 नहीं देखा है, मेरा आपको एडवाइस है कि आप वेदांतु के यूट्यूब चैनल पर जे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के इसे ज़रूर देखें. वहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि इस सेम क्वेश्चन के अंदर सेम सिचुएशन में लेटेंट हीट कैसे कंपेयर की जा सकती है, राइट? सो
लास्ट में इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में नहीं जानते हैं देन आई वुड एडवाइस कि आप इसे गूगल पर सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.